किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, जब हमारी फसलों पर किसी रोग का अटैक होता है, किसी कीट का अटैक होता है, तो हम बाजार जाते हैं कोई कीटनाशक या फफूंदी नाशक परचेज करने के लिए। और वहां पर जो कीटनाशक या फफूंदी नाशक मिलते हैं वो दो तरीके के मिलते हैं, एक जिनके अंदर सिस्टेमिक एक्शन होता है यानी कि सिस्टेमिक तरीके से काम करते हैं, दूसरे जिनके अंदर कॉन्टैक्ट एक्शन होता है यानी कि कॉन्टैक्ट एक्शन से वो काम करते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि हमें कब किस फंजीसाइड का चुनाव करना चाहिए, यानी कि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का चुनाव कब करना चाहिए, सिस्टेमिक फंजीसाइड का चुनाव कब करना चाहिए। यदि आप गलत समय पर गलत तरीके के चुनाव करते हैं तो आपका एक तो पैसा बर्बाद हो रहा है और आपकी फसलों पर उसके जो रिजल्ट हैं उतने अच्छे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे, उसके साथ साथ ये जानेंगे कि कॉन्टैक्ट और या सिस्टेमिक फंजीसाइड ये दोनों काम किस तरीके से करते हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट फंजीसाइड की यानी कि संपर्क फफूंदी नाशक की। तो उसमें यदि हम बात करें तो जो हमारे फंजीसाइड आते हैं उनमें पहला आता है ब्लू कॉपर के नाम से, जिसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है वो साल्ट होता है, तो एक कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है। दूसरा हमारा क्वच आता है जिसके अंदर क्लोरोथोलोनिल साल्ट होता है। तीसरा हमारा एंट्राकॉल आता है जिसके अंदर प्रोपिनेव साल्ट होता है। चौथा हमारा M45 आता है जिसके अंदर मैनकोनेव साल्ट होता है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे मार्केट में आपको मिल जाते हैं। तो ये जो फंजीसाइड है ये कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करते हैं, यानी कि आप इनको मार्केट से लाएंगे और अपनी फसलों पर जब स्प्रे करेंगे तो ये जैसे ही आपने स्प्रे किया, मान लीजिए पत्तियों पर, ये स्प्रे के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचे, तने तक पहुंचे, तो ये पत्तियों पर या तने पर वहीं पर चिपक कर और जो फंगस पत्तियों पर या तने पर है उसको खत्म करते हैं या उसका अटैक होने से रोकते हैं। यानी कि ये संपर्क पत्तियों पर ऊपर चिपक कर ही काम करते हैं, ये जो हमारा प्लांट है प्लांट के सिस्टम में नहीं जाते हैं जो हमारे ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होते हैं। वहीं पर यदि हम बात करें सिस्टेमिक फंजीसाइड की, तो सिस्टेमिक फंजीसाइड कैसे काम करते हैं वो भी हम समझते हैं। तो देखिए, यदि हम सिस्टेमिक फंजीसाइड की बात करें तो हमारा आता है एक अमिस्टा टॉप के नाम से, रोको के नाम से जिसमें थायफेनेट मिथाइल होता है, बावेस्टिन के नाम से आता है जिसमें कार्बन डाइजिम होता है 50%, तो और भी बहुत सारे आते हैं। तो ये जो है वो है सिस्टेमिक फंजीसाइड। ये इनको ला करके आप स्प्रे करेंगे तो ये क्या काम करेंगे, जैसे आपने पत्तियों पर स्प्रे किया तो पत्तियों के माध्यम से प्लांट के पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं, यानी कि इनकी जो मूवमेंट होती है फ्लोएम या जाइलम के माध्यम से ये प्लांट के पूरे भाग में फैलते हैं, प्लांट के सिस्टम में अंदर घुस जाते हैं और अंदर जो भी फंगस है वो उसको खत्म करने का ये काम करते हैं। तो ये इनका काम इस तरीके से होता है कि प्लांट के पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं। तो अब हमें ये आप समझ गए होंगे कि सिस्टेमिक कैसे काम करता है, कॉन्टैक्ट कैसे काम करता है। तो हमें कब किसका चुनाव करना चाहिए, तो पहली चीज यदि आपके फसल के अंदर मान लीजिए रोग आ चुका है, उसके सिम्टम्स दिख रहे हैं, लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें जो चुनाव करना चाहिए वो सिस्टेमिक फंजीसाइड का चुनाव करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए रोग आ चुका है तो जो फंगस है आपके प्लांट के सिस्टम में अंदर जा चुकी है, तो उसको ठीक करने के लिए जो सिस्टेमिक फंजीसाइड है वो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो प्लांट के पूरे सिस्टम में पहले तो फैल जाएगा और फंगस जो जहाँ भी है वहाँ पर उसको खत्म करने का काम करेगा। दूसरा, मान लीजिए हमने सिस्टेमिक फंजीसाइड का स्प्रे पत्तियों पर किया, तो यदि वो प्लांट के किसी हिस्से पर स्प्रे नहीं भी पहुँचता है तो वो प्लांट के क्योंकि सिस्टम में जाता है तो वो वैसे भी प्लांट के पूरे भाग में फैल जाता है और जो फंगस जहाँ भी हो उसको खत्म करने का काम करता है। वहीं पर यदि आप कॉन्टैक्ट लेंगे तो वो केवल ऊपर ऊपर रहेगा, प्लांट के अंदर की जो फंगस जो हमारे पैथोजन है उसको खत्म वो नहीं कर पाएगा और जहाँ पर हम स्प्रे करेंगे वहीं पर काम करेगा और जगह वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जब भी रोग आ जाए, रोग के लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो उस समय आपको जो चुनना है वो सिस्टेमिक फंजीसाइड ही चुनना है, क्योंकि वो ही ज़्यादा बेहतर काम करता है रोग को ठीक करने के लिए। अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन में, मान लीजिए अभी रोग आपकी फसलों पर नहीं है, आपको सिम्टम्स नहीं नजर आ रहे हैं, लक्षण नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी वेदर ऐसा बन रहा है कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, रेन हो गई है एक और उसके बाद ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो आपको लग रहा है कि रोग आ सकता है लेकिन अभी कोई लक्षण आपको अपने पौधे पर उसके जो सिम्टम्स है रोग के नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप कोई प्रिवेंटिव स्प्रे लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जो बेस्ट काम करते हैं वो है हमारे कॉन्टैक्ट फंजीसाइड। तो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड प्रिवेंटिव एक्शन में बेहतर काम करते हैं, क्योंकि हमने उनको स्प्रे किया पत्तियों पर तो पत्तियों और तने पर वो चिपक जाएंगे और फंगस का अटैक फिर वो वहां से नहीं होने देंगे। तो इसलिए यदि आप प्रिवेंटिव में यूज कर रहे हैं तो हमेशा कॉन्टैक्ट फंजीसाइड को ही आपको चुनना चाहिए, वो ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है।
उसके साथ साथ देखिए, जैसे कि अभी रेनी सीजन चल रहा है, यानी कि बरसात का मौसम है, कभी भी वर्षा हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें लगता है कि कभी भी वर्षा हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमें चुनाव करना चाहिए वो करना चाहिए सिस्टेमिक फंजीसाइड का। क्योंकि मान लीजिए हमने 2 या 3 घंटे का ऐसा टाइम निकल के स्प्रे कर दिया कि उस समय बारिश नहीं होगी, तो जो सिस्टेमिक फंजीसाइड है वो प्लांट के सिस्टम में 2-3 घंटे में चले जाते हैं। उसके बाद बारिश हो जाए तो उनके रिजल्ट में कोई कमी नहीं आती है, रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं पर यदि वर्षा का मौसम है, कभी भी बारिश हो सकती है, और आपने कॉन्टैक्ट फंजीसाइड ला करके स्प्रे कर दिया और उसके बाद बारिश हो गई, तो जो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है वो धुल जाएगा, क्योंकि वो प्लांट के सिस्टम में तो नहीं जाता है, वो पत्तियों पर ऊपर ही चिपका रहता है, तो वो धुल जाएगा और उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इसलिए ऐसी कंडीशन है कि रेनी सीजन है, कभी भी वर्षा हो सकती है, तो उस कंडीशन में हमें चुनाव करना चाहिए जो हमारा सिस्टेमिक फंजीसाइड है उसका, तो हमें उस समय कॉन्टैक्ट का चुनाव नहीं करना चाहिए। और देखिए उसके साथ साथ जो सिस्टेमिक फंजीसाइड है उसका हमें नुकसान भी देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी फसल हार्वेस्टिंग स्टेज पे है और आपने सिस्टेमिक फंजीसाइड का स्प्रे कर दिया, तो सिस्टेमिक फंजीसाइड क्योंकि सिस्टम में जाता है और वो सिस्टम में जाकर जो हमारे फल या सब्जियां हैं उनके अंदर भी पहुंच जाएगा, तो उससे उसकी हम फलों को या हार्वेस्ट करेंगे तो उसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा आएगी। तो इसलिए सिस्टेमिक फंजीसाइड का यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसकी जो रेसिडुअल एक्टिविटी है उसको बीत जाने के बाद ही आप उससे हार्वेस्टिंग करें, उतना वेट करें, वरना उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो ज़्यादा आती है। लेकिन वहीं पर कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का ये लाभ होता है कि मान लीजिए हमने स्प्रे कर दिया, तो स्प्रे के बाद क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में काम करता है, सिस्टम में नहीं जाता है, तो हम मान लीजिए हमने स्प्रे कर दिया, उसके बाद हम जो फल सब्जियों को हार्वेस्ट भी कर लेते हैं और उनको हम अच्छे से धो के खा लें, तो वो हमारे लिए सेफ रहती हैं, क्योंकि जो फंजीसाइड है, जो केमिकल है, वो फलों या सब्जियों के अंदर नहीं पहुँचा है और हमारे जो फल और सब्जियाँ वो उतने जहरीले नहीं हैं, तो उनको हम अच्छे से धुलकर खा सकते हैं। तो उनके एक ये फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों आप समझ गए होंगे कि हमें कब किस सिचुएशन में कौन सा फंजीसाइड का चुनाव करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अन्य फार्मर के साथ शेयर भी करें। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।